गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। हेयर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, सुनो और लिखो। ये जो शब्द हैं इनको आपने पढ़ना है और याद करना है। कुछ यहाँ पे नए शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वन, वन, वन का मतलब होता है जंगल। खटमल, खटमल एक छोटा सा कीड़ा होता है। गगन, गगन, गगन का मतलब आसमान। हल, हल एक औजार है जो खेत में काम आता है। बतख, बतख, बतख एक पानी में रहने वाला बर्ड है, इसको डक भी कहते हैं। ओके, इन सारे शब्दों को आपने पढ़ना है और याद करना है। उसके बाद मम्मी के साथ बैठ के इनका टेस्ट देना है। मम्मी बोलेगी और आप लिखोगे। ओके, वो तब होगा जब आप इनको लर्न करोगे। ठीक है, नाउ इन इंग्लिश आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब भी श्रुतलेख होता है। हिंदी में श्रुतलेख कहते हैं और इंग्लिश में डिक्टेशन। हेयर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम न्यू वर्ड। ए जी एग, ए डी एड, ए एम एम। साउंड ऑफ बी इज ब, एग, बैग। साउंड ऑफ टी इज ट, एग, टैग। साउंड ऑफ एस इज स, स, एड, सैड। साउंड ऑफ पी इज प, एड, पैड। साउंड ऑफ जे इज ज, एम, जैम। साउंड ऑफ डी इज ड, एम, डैम। दीज ऑल यू हैव ऑलरेडी लर्न। ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड एंड गिव डिक्टेशन टू योर मॉम। ओके, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, बाय बाय।